खबर कानपुर से है, जहां एक महिला अपनी बेटी को लेकर चलती ट्रेन से कूद पड़ी। महिला का कहना है कि ट्रेन में लगातार छेड़छाड़ से तंग आकर वो अपनी और अपनी बेटी की जान को जोखिम में डालने को मजबूर हुई। अस्पताल में बैठी इस मां का दर्द इसके जख्मों से कहीं गहरा है, वो दर्द जिसने इसे अपनी ही बेटी की जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर कर दिया। लेकिन अगर ये मां ऐसा कदम ना उठाती तो शायद इसकी बेटी की इज्जत पर ही बनाती। घटना यूपी के कानपुर की है, जहां हावड़ा से आ रही ये महिला अपनी बेटी के साथ चलती ट्रेन से कूद पड़ी। जख्मी हालत में मां बेटी को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां होश में आने पर महिला ने अपनी दर्दनाक आपबीती बताई। महिला का आरोप है कि ट्रेन में कुछ लड़के लगातार उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई तो लड़की को बचाने के लिए वो चलती ट्रेन से कूद पड़ी। ना बेटी का जान बचाना था मुझे, मैं इसलिए अपने बेटी लेकर कूद गया। उनका ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा ही, कुछ ठिकाना लगाएगा। और यहाँ रहेंगे तो हम माँ बेटी मर जाएंगे, हमें कोई सहारा नहीं कर रहा। या मैंने 3-4 जगह में पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दिया सर। ट्रेन में हुई इस शर्मनाक वारदात को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। महिला की शिकायत पर जीआरपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदारी में उतरी, चंदारी में जब ट्रेन धीमी हुई तो उसने ये आरोप लगाया कि जो है हमारे साथ छेड़खानी हो रही थी, वो हावड़ा से चलते समय ट्रेन पर, तो उसका मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। ये घटना मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर रेलवे के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, लेकिन सवाल उन यात्रियों पर भी है जो इस घटना के दौरान तमाशबीन बने रहे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।